मीनिंग ऑफ लॉ, मीनिंग मतलब ऑफ लॉ, लॉ कानून, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ लॉ पेपर में हमें ऐसे भी आ सकता है, मीनिंग ऑफ लॉ सेम ये जो टाइटल है उसका ही क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एक्सप्लेन द लॉ, और एक और क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेशन ऑफ लॉ। एक तो ये क्वेश्चन हो गया और दो और क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं चैट बॉक्स पे लिख देती ठीक हूँ। तो ये मीनिंग ऑफ लॉ, हैव यू एवर फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ लॉ इन योर डे टू डे लाइफ? हैव यू सीन एनी वन बीइंग बुक्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस और वॉलेटिंग ट्रैफिक रूल्स? डू यू फील द नेसेसिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न? आफ्टर डेथ डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट? इसमें ये बोला है कि लॉ जो है वो हमारे जिंदगी में कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या आपने कभी देखा है ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमें क्यों बोलती है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, या फिर जो जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो फिर क्या क्यों बोलते हैं कि इसका बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनवाओ, जा कोई जिसकी डेथ होती है तो ये क्यों बोलते हैं इसका डेथ सर्टिफिकेट बनाओ? इन फैक्ट लॉ अफेक्ट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, इट रूल्स अस फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। कहते हैं ये सब जो है ये चीज आती है लॉ के अंडर, और ये रूल्स जो है जो लॉ के अंडर है, जो कानून में रूल्स लिखे गए हैं, ये हमारी क्रेडल टू ग्रेव चलती है। क्रेडल मतलब, क्रेडल का मतलब होता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, और ग्रेव का मतलब है जब वो बच्चा जो वो इंसान है जब तक वो मरता है, जब वो मर जाता है उसको बोलते हैं ग्रेव, ये ग्रेव में दफन करो उसको ऐसे करके। तो जन्म से लेके मृत्यु तक ये रूल्स जो है वो चलते ही रहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस राइट फ्रॉम द मदर्स वूम टू अवर एजुकेशन, सर्विस, मैरिज एंड अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ। तो जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब उसको कोई चीज की नॉलेज नहीं होती, बट जैसे वो बाहर आता है तो उसको ज्ञान दिया जाता है हर एक चीज इसका, कि क्या क्या ये लाइफ में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या कुछ होता है। लॉ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, राइट फ्रॉम बिगनिंग अ न्यूज़पेपर और अ बॉटल ऑफ मिल्क और एनी अदर बिग और स्मॉल आइटम नेसेसरी फॉर अवर लाइफ। कहते जो है लॉ वो इतना मतलब हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे कि हमने एक न्यूज़पेपर लेनी हो, चाहे एक दूध की बॉटल लेनी हो, मतलब हर एक चीज में इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता ही है। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स अगर हम तोड़ दें तो हमें पनिशमेंट दी जाती है, पुलिस जो है वो हमें पकड़ लेती है, ये क्या है फॉलो कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स को। तो हम मतलब ये लॉ कारण ही सब कुछ हो रहा है। लॉ इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ दैट इट बिकम्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ विज। लॉ जो है कानून बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में और हमें इसको जानना भी उतना ही जरूरी है। वॉट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ, वॉट आर द काइंड ऑफ लॉ एंड फाइनली इट्स एप्लीकेशन फॉर द बेस्ट यूज ऑफ अवर सोसाइटी। अब लॉ के क्या साधारण है, ये कैसे हमारी लाइफ में आया, जा लॉ कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें जो है ये हम पढ़ेंगे, ये हमारी सोसाइटी में क्या प्ले रोल करते हैं ये हम सब रीड आउट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि हमें मकसद, मकसद कुछ इसका। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब जो कंक्लूजन क्या है
क्या मकसद है ये चैप्टर रीड करने का? ये मकसद है कि हमें पता लगेगा, अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द टर्म लॉ. हमें लॉ के बारे में पता लगेगा, हम उसको जानेंगे, हम उसको डिफाइन करेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे. मेक अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ. लॉ क्या चीज है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉ. साधारण लॉ के क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे. एंड अप्रिशिएट द रॉ लॉ रोल ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, जुडिशरी, लीगल प्रोफेशन एंड सिविल सोसाइटी इन द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. हम ये चीजें पढ़ेंगे कि हाँ, एक इंडियन सिस्टम है क्या, जुडिशरी क्या है, उसकी मकसद क्या है, एक लॉ में, कोर्ट में क्या चीजें सब कुछ होती है, एक सोसाइटी में क्या कुछ होता है. ये सब चीजें हैं वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ. कि लॉ को डिफाइन करो, लॉ है क्या. लॉ सिग्निफाइज अ रूल अप्लाइड इनडिस्क्रिमिनेटली टू ऑल एक्शन. इट इज अ नोशनल पैटर्न ऑफ कंडक्ट टू विच एक्शंस जो वर आउट टू कंफर्म. लॉ है क्या, जो हम चीजें, लॉ को हम अगर एक डिफाइन में बोले, इट इज अ रूल, कि रूल क्या है, तो हमें पता लगेगा कि हाँ, एक्शंस जो हम टेक कर रहे हैं, जो एक्शन लिए जा रहे हैं, इट इज अ रूल, इट इज अ लॉ, इट इज अ पैटर्न, कि हाँ, हम किस तरीके से एक्शंस या रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. लॉ इज अ लार्ज बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड मेनली ऑन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, फेयर प्ले एंड कन्वीनियंस, एंड विच हैव बीन वर्क बाय गवर्नमेंट बॉडीज टू रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटीज. ये सबसे मेन डेफिनेशन कह सकते हैं लॉ की, यही है कि लॉ है क्या, ये रूल्स और रेगुलेशंस की बॉडी है. बॉडी जो हम बोलते हैं फुल स्ट्रक्चर, कि एक बंदे का फुल स्ट्रक्चर क्या है, वो ये है लॉ का, कि रूल्स रेगुलेशंस जो हम फॉलो करते हैं, कि क्या हमें जो कानून आया, जो हमने फॉलो किए जाते हैं, वो कहते हैं हम उसको रूल्स एंड रेगुलेशन. ये एक बेस कहाँ बना होता है, कि जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है अन्याय. तो कि क्या हमें अन्याय मिलेगा, क्या है ये सब कुछ. फेयर मतलब कि साफ. एंड कन्वीनियंस एंड विच हैव बीन वर्कड बाय आउट ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज टू रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटीज. ये ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि वो किससे डील करता है, लॉ से, कानून से. इन ब्रॉडर सेंस लॉ डिनोट्स द होल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइज सोसाइटी थ्रू गवर्नमेंट बॉडीज एंड पर्सनल. लॉ डिनोट्स द होल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइज सोसाइटी थ्रू गवर्नमेंट बॉडीज. मतलब कि जो लॉ है उससे हमें पता लगेगा कि हम अपनी सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज्ड करें थ्रू द गवर्नमेंट बॉडीज. गवर्नमेंट हमारी हेल्प उसमें क्या कर सकती है. नेक्स्ट, लॉ मेकर्स, कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड एग्जीक्यूटिव पैनल एंड कोरेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. लॉ मेकर्स जो लॉ को बनाते हैं. कोर्ट्स, वी ऑल नो व्हाट इज कोर्ट्स. ट्रिब्यूनल्स जो ट्रिब्यून करते हैं. लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो लॉ जो नहीं मानता वगैरह, नहीं केयर करता इन चीजें को देखना वगैरह सब कुछ. ये सारा चीजें जो डिटेल में नीचे आएंगी. अटेम्प्ट टू अप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन पीसफुल एंड ऑर्डिनरी रिलेशंस अमंग्स द पीपल इन द सोसाइटी. ये सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये पहले तो बनाएगी, उसके बाद में
इसको इस्टैब्लिश किया गया। इस्टैब्लिश मतलब कि इसको हम सोसाइटी में जब लोगों के बीच में ये बातचीत छेड़ेगी कि ये चीजें ऐसा लॉ बनाया गया है, उसके बाद में इसको मेंटेन किया गया, इसकी इसको हमने आराम से पीसफुली तरीके से हमने इसको मेंटेन करना है कि हाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना हमने, कि अगर कोई बंदा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहा है तो उसके साथ ये नहीं कि हम लड़ने बैठ जाए, हाँ तूने क्यों तोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। वी हैव टू डील इट विद पीसफुली, हमने उसको पीसफुली आराम से उसको माना है, वो जो लॉ जो रूल्स हैं हमें बताए गए हैं। और ये सब चीजें एक पीपल को इस सोसाइटी में लाए जाए हैं, ये लॉ जो है एक सोसाइटी में लाया गया है कि पीपल जो है जो लोग हैं इसको समझ सकें। द आइडिया ऑफ लॉ एज गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट इज एन ओल्ड एज एन एग्जिस्टेंस ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी। एक लॉ है, लॉ हम क्या कहेंगे कि ये एक ह्यूमन को गाइड करता है, उसको बताता है कि कौन सी चीज जो है वो सही है कौन सी गलत है। द रेलिवेंस ऑफ लॉ टू ह्यूमन बिहेवियर हैज बिकम सो इंटीग्रेटेड टुडे दैट एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन कंसेप्शन अबाउट इट्स नेचर विच इज इन्फ्लुएंस्ड ऑफ कोर्स बाय हिज हर ओन पर्सेप्टिव। अब कहते हैं एक लॉ का, एक जो ह्यूमन है उसका नेचर हमें नहीं पता कैसा है, बट हाँ उसको तब भी लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा। अब वो ये नहीं कि हाँ मुझे ये इनमें मुझे ये चीज पसंद नहीं है, ये लॉ जो है ये एक जो लॉ है ये मुझे पसंद नहीं है मुझे नहीं फॉलो करना, नो उसको करना ही पड़ेगा, ये उसकी मर्जी नहीं चलेगी। इन द सेंस हम कह सकते हैं नॉट सरप्राइजिंगली द सर्च फॉर एन एग्री डेफिनेशन ऑफ लॉ हैज बीन एन एंडलेस जर्नी। जितना हम लॉ के बारे में जानेंगे उतना ही कम है, ये बहुत डीप है, ये बहुत डीप है, एंडलेस जर्नी इसकी, ये ओवर डीप है। देयर हैव बीन कॉन्फ्लिक्टिंग एंड डिवर्जेंट व्यूज ऑफ जूरिस्ट रिगार्डिंग द नेचर कॉन्सेप्ट बेसिस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ। चाहे जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो, कॉन्फ्लिक्टिंग जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो, जितना मर्जी प्यार हो, चाहे ये सब चीजें लॉ नहीं देखेगा, हमें उसको मानना है तो मानना ही पड़ेगा। लॉ हैज बीन रिगार्डेड एज अ डिवाइनली ऑर्डेंड रूल और अ ट्रेडिशन ऑफ ओल्ड कस्टम्स और रिकॉर्डिंग विजडम ऑफ द वाइस मैन एंड फिलोसफिकली डिस्कवर सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स विच एक्सप्रेस द मैन विच एक्सप्रेस द नेचर ऑफ थिंग्स और एज अ बॉडी ऑफ एसर्टेनमेंट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटरनल नेचर ऑफ थिंग्स और एज अ इंटरनल एंड इम्यूटेबल मॉरल कोड और एज अ बॉडी ऑफ एग्रीमेंट्स ऑफ मैन वुमेन इन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी और एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन रीजन और एज अ बॉडी ऑफ कमांड्स ऑफ अ सबरीजन और एज अ बॉडी ऑफ रूल्स डिस्कवर्ड बाई ह्यूमन एक्सपीरियंस और अ बॉडी ऑफ रूल्स डिवेल्प थ्रू ज्यूरिस्टिक राइटिंग एंड जुडिशियल डिसीजन और एज अ बॉडी ऑफ रूल्स इम्पोज ऑन मैन और वुमेन इन सोसाइटी बाय द डोमिनेंट क्लास और एज अ बॉडी ऑफ रूल्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब इसमें ये चीज में ये समझाया गया है, मेन मेन पॉइंट यही है कि चाहे वो मैन है वुमेन है, इस लॉ ने मैन और वुमेन के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है, जो सेम रूल मैन के लिए है वो ही सेम ही रूल वुमेन के लिए भी अप्लाई किया गया है। दे बोथ हैव टू फॉलो द सेम रूल, सेम वो रूल जो है फॉलो करेंगे, चाहे वो सोसाइटी में है चाहे जिधर मर्जी है, चाहे वो अपने घर में बैठे हैं चाहे वो बाहर हैं, पर उनको वो रूल जो बना है सबके लिए उनको भी वो चीज ही फॉलो करनी है। देयरफॉर लॉ हैज बीन डिफाइंड फर्स्टली
by its basis in nature, reason, religion और ethics. कहते हैं लॉ को हम पहले चीज में, पहले चीज हम कहेंगे लॉ के अंडर क्या आनी चाहिए. लॉ हम कैसे बताएंगे किसी को है, पहले तो उसका नेचर से, कि वो उसका नेचर में आ जाएगा, जैसे कि रूल्स वगैरह आ जाएंगे कि लॉ है क्या, ये चीज क्या है, कि लॉ एक वर्ड है, ये आया है, ये इस्टेब्लिश हुआ है, ये कब हुआ है, ये आया दुनिया में, इसको हमें फॉलो करना है, सब कुछ इसका नेचर बताएंगे. रीजन, अब हमें ये लॉ जो है ये फॉलो क्यों करना है, क्या जरूरी है फॉलो करना. रिलीजन और एथिक्स, एथिक्स का मीनिंग भी रिलीजन ही होता है, कि क्या हर एक धर्म को फॉलो करना है लॉ. सेकेंडली बाय इट्स सोर्सेस लाइक कस्टम्स, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन. कहते हैं ऊपर से अगर हमें फॉलो करना है, ये किसके अंडर आ रहा है, ये गवर्नमेंट के अंडर तो आ रहा है, पर कोई केयर क्यों है, कर रहा है, देख रहा है कि ये सब चीजें फॉलो भी हो रही है. थर्डली बाय इट्स इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द सोसाइटी. कहते हैं जो लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया है, इस्टेब्लिश कर दिया है गवर्नमेंट ने, पर क्या लोग सच्ची में इसको फॉलो कर रहे हैं. जो सोसाइटी है, सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं, उनकी लाइफ में ये कैसे प्रभाव डाल रहा है, ये क्या प्रभाव डाल रहा है, कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं. फोर्थली बाय द मेथड ऑफ इट्स फॉर्मल एक्सप्रेशन और अथॉरिटिव एप्लीकेशन. कि जो ये चीज है, ये लॉ भी अब एक तो है नहीं, कितने ज्यादा लॉ है, तो ये क्या ना क्या चाहते हैं, कौन सा लॉ किसके लिए बना है. फिफ्थली बाय द एंड्स दैट इट सीक्स टू अचीव. कहते हैं एंड में तो यही बोलेंगे, फिफ्थ चीज यही हम डिफाइन करें लॉ में, कि चलो सब चीजें हमने मान ली, हमने फॉलो कर दिया लॉ को, पर ये इसका टारगेट क्या है, फॉलो करके हमें मिलेगा क्या. ऑल्सो देयर इज नो जनरल डेफिनेशन ऑफ लॉ विच इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लॉ, येट फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आर एज फॉलोस. कहते हैं अगर हम बोल रहे हैं कि कोई एक डेफिनेशन दे दो लॉ लॉ की, ऐसा कुछ नहीं है, लॉ में हर एक चीज आ जाएगी, हर एक चीज. कहते बस हमें ये है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि है क्या ये चीज, हमने बस ये अंडरस्टैंड करना है. कहते हैं बाकी हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, इसमें तीन चीजें आ जाती हैं लॉ के अंडर, एरिस्टोटल, ऑस्टिन, पैटर्न. एरिस्टोटल का मतलब होता है इट परफेक्ट लॉ इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ मैन वुमेन and can be discovered through reason. It is immutable, universe and capable to growth. कहते अब ये जो law है, ये क्या कहता है कि एक woman या फिर man में law हमने डाल दिया, उसके दिमाग में डाल दिया कि हाँ law ये है, हमें follow करना है, ये करना है, वो करना है. वो अब उस पर depend करता है कि वो follow करता है कि नहीं करता. अगर तो फॉलो करता है, वो अपनी जो लाइफ में है वो ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो फिर पीछे रह जाएगा, दुनिया से पीछे ऐसे रह जाएगा. अगर कोई चीज है आप नहीं फॉलो कर रहे, ठीक है, तो क्या कानून करेगा, आपको सजा देगा, आपको जेल हो सकती है. तो वो ही जो सेकंड पर्सन है वो तो आगे बढ़ गया, आप जेल में काटी जा रहे हो अपनी लाइफ. ये एग्जाम्पल आगे ऑस्टिन, ऑस्टिन कहते हैं लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेजन. सॉवरेजन मतलब कि आजादी. रूल्स ले डाउन बाय पॉलिटिकल सुपीरियर्स टू पॉलिटिकल इंफीरियर्स, इन अदर वर्ड्स बॉडी ऑफ कमांड बाय अ सॉवरेजन मेंबर और मेंबर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट सोसाइटी वेयर इन द ऑथर ऑफ लॉ इज सुप्रीम. कहते हैं कि हम बोल देंगे लॉ एक आजादी है, फुली आजादी नहीं कह सकते, बट हाँ काफी हद तक, कि ये आजादी इन द सेंस कि ये लोगों को समझता है,
ये लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि वुमेन्स जो हैं दे आर नॉट सेफ दैट मच, बट हाँ लॉ की मदद से वो हो सकती हैं, लॉ हेल्प करेगा उनकी। पैटर्न, अब पैटर्न क्या कहते हैं, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पैटर्न लॉ कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल्स विच आर सीन टू ऑपरेट एज बाइंडिंग रूल्स इन अ कम्युनिटी बाय मीन्स लॉ। लॉ वो लॉ को ये कहते हैं कि हाँ एक गवर्नमेंट ने ये बना दिए रूल्स हैं, ये सारे रूल्स हैं जो कि एक जगह उन्होंने बांध दिए हैं कि एक कम्युनिटी कह लो या सोसाइटी कह लो, उनको दे दिए हैं, उन लोगों में डाल दिए हैं कि ये लो ये लॉ है, इसको हमने फॉलो करना है, उनको ये बोल दिया गया कहते ये वो है। नेक्स्ट, ऑफ विच सफिशियंट कॉम्प्लायंस विद द रूल्स मे बी सिक्योर टू इनेबल द सेट ऑफ रूल्स टू बी सीन एज बाइंडिंग। वही चीज जो मैंने बता दिया है, बाकी हमने ऊपर ये पढ़ा कि हर किसी का अपना एक व्यू है, हर किसी लॉ को अपनी ही तरह जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बता देता है कि लॉ है क्या। अब नेक्स्ट है एवी डिसाइज, ये कहते हैं इन द वर्ड्स ऑफ द एवी डाइस लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। वो ये कहते हैं कि लॉ जो है ना वो एक मतलब कि रिफ्लेक्शन शेडो कह लो है ना पब्लिक ओपिनियन। अब जो पब्लिक कहना चाहती है, जो लोग हमें कहना चाहते हैं, अब हम हर एक जो लोग है हर एक पर्सन का हम नहीं पहचान सकते, वो दिल से क्या कह रहा है, कईयों को समझाना ही नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं, हम वो नहीं जान सकते, बट हाँ उनकी रिफ्लेक्शन से हम इतना पता लगा सकते हैं कि वो जो सामने वाला बंदा है वो क्या कहना चाहता है। तो ये लॉ की मदद से हमें पता लग जाएगा कि हाँ वो बंदा बंदा क्या सोचता है, कि वो मतलब कह लो। अब लॉ में कैसे पता लगेगा इस चीज के बारे में कि हाँ अगर कोई मैन है वो अत्याचार कर रहा है वुमेन पे, तो वुमेन को इतनी राइट है कि वो अगर पुलिस को जाके कुछ अपनी बातें कह रहे वो अपने आप समझेगी पुलिस की हाँ वो लड़की के साथ क्या हुआ है, ये रिफ्लेक्शन दे रहा है वो लेडी की ऐसे। नेक्स्ट है आई हेयरिंग, ये डिफाइन करते हैं लॉ एज द फॉर्मल ऑफ द गारंटी ऑफ द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी इंश्योर बाय स्टेट पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट्स। ये कहते हैं कि ये एक पावर है मतलब कि एक सोसाइटी जो सोच रही है, जहाँ हमारी लाइफ में है कोई कंडीशंस है कि हमारी लाइफ जा रही है, हमारी चलो लाइफ है उसमें हम बेफिक्री मौजे कर रहे हैं, बट रूल्स हमें ठाने गए हैं, रूल्स हमें डाल दिए हैं कि हाँ जो हमें फॉलो करने ही करने हैं, ये कंपलसरी है। जा तो ये एक स्टेट की पावर है, वो क्या सोचते हैं ये वो चीज है। अगेन सैलमंड, अकॉर्डिंग टू सैलमन लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दैट इज प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस आजादी, एडमिनिस्ट्रेशन होता है कह सकते हैं ऑफिस जिधर लॉ वगैरह की बात चलती है, बनता है वगैरह, सब सिस्टम आ जाते हैं इसके अंडर। कहते हैं लॉ कह दो कि हाँ एक जिधर सारे सिस्टम वगैरह बन रहे हैं हमारी आजादी को रिलेटेड, कि हमारी हमें कितनी का आजादी मिलनी चाहिए कितनी नहीं मिलनी चाहिए, ये सब चीजें हैं उनके उनके नजरिए से। नेक्स्ट है कैल्सन, नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ विच प्रोवाइड्स द लॉ इज पिरामिड ऑफ नॉर्म्स विच हैज इट्स जीनिस फ्रॉम ऑन ग्राउंड नॉर्म एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
कहते जैसे कह लो कि पुराने सालों से जो चीजें चली आ रही हैं उनको ही आगे इन्होंने कंटिन्यू कर दिया, या जो हमें बताया जा रहा है, जो हम सुनते हैं, जिधर से सुनते हैं उस चीज को इकट्ठे करके बता दिया। जैसे एग्जाम्पल दी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इधर स्पेशल मकसद यही है कि हाँ जो कंट्री जो लॉ बनाती है हम वहां से चेप लेते हैं, वहां से ही इकट्ठा इकट्ठा करके आगे हम भेज देते हैं। आगे है सिमिंगली, ये कहते हैं लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस ग्रोथ विद इन द कम्युनिटी एंड कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन इट्स हिस्टोरिकल परपेक्टिव। सेविगली वॉक्सकस थ्योरी ऑफ लॉ मीन्स विल ऑफ द पीपल। तो ये कहते हैं कि जब एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी, इनको आगे बढ़ना है तो इनको कुछ जो रूल्स हैं, कुछ जो रेगुलेशंस हैं, ये सब फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ये आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए लॉ बनाया गया। आगे कहते हैं रोस्क्यू पाउंड, ये कहते हैं लॉ इज अ सोशल कंट्रोल थ्रू सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी एंड इंस्ट्रूमेंट टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स इन अ सोसाइटी विद द मिनिमम ऑफ फ्रिक्शंस एंड वेस्ट। वो कहते हैं कि एक सोसाइटी में कोई रूल्स वगैरह बनाए गए, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शंस बनाए गए, बाकी कहते हैं ये एक लॉ जो है ना वो एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट एक चीज बनाई गई है, ठीक है, जो कि बंदा अगर सोसाइटी में है तो वो उसको फॉलो करेगा, बट अगर आप उसको थोड़ी सी आजादी दे दो ना तो वो फॉलो नहीं करेगा, वो उसको फ्रिक्शन करेगा, वेस्ट कर देगा। इन द सेंस एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा कि अगर जैसे कि कोरोना जब था, कोरोना है अभी, तब जब तक पुलिस वाले आते नहीं है, है ना, कोई गली में, हमारी गली में जब तक पुलिस वाले नहीं आते, ठीक है, तब हम, अगर मान लो वो पुलिस आएगी तो हम अंदर चले जाएंगे, घर के अंदर ही चले जाएंगे, जब लॉकडाउन लगा हो, पुलिस आती है, हम घर के अंदर चल जाएंगे पुलिस को देख के, और पुलिस अगर नहीं है तो हम बाहर भी निकलेंगे। मतलब कि आप वो जो लॉ है उसको फोर्सफुली आप समझ रहे हो, मतलब आप, आपको पता है वो पुलिस वाले ने आपको बोलना है कुछ, करेगा वो, है ना, बोलेगा, इसलिए आप अंदर जा रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे कि आपको उस चीज से खतरा है, इसलिए तो वो पुलिस वाला बोलेगा आपको, बट हम ये चीज नहीं हम नोट करते, ये ही चीज इन्होंने बोला है कि हाँ वो सोसाइटी में जब तक हम लोगों के भीतर हैं हम वो चीज को मान लेते हैं, बट अगर हमें कोई भी थोड़ा भी चीज, हमें कोई फोर्स ना करे ना कुछ, तो हम छोड़ देंगे वो चीज। तो इन्होंने ये ही बोला है, ये हमने अलग अलग पॉइंट्स देखे हैं, हर किसी का लॉ के प्रति अलग अपनी सोच है, अलग बातें हैं, सब कुछ अलग है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। फॉर अ प्रॉपर एंड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इट्स क्लास Classification becomes necessary. It helps in understanding the principles and logical structure of the legal order. It makes clear the interrelation of rules and their effect on each other. And it also helps in arranging the rules in the concise and systematic way. The broad classification of law may be follows. कहते हैं कि हम लॉ को कैसे समझें, लॉ है तो है क्या, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है, इसका मकसद क्या है,
जा इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। हम लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, इसके ये कितने तरीके से तरीकों मतलब टाइप स्केलों में है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, तो लॉ जो है ये